जब से नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, तब से देश को उनसे उम्मीद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब इसी उम्मीद पर नीरज एक के बाद एक खरे भी उतरते चले जा रहे हैं। नीरज ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिसे सुनने और जानने के बाद आप भी उन पर गर्व जरूर करेंगे। जी हाँ, आपसे हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें तो नीरज ने एक बार फिर अपने इस फैसले से देश को गर्व करने का मौका दिया है। चलिए आपको इस पर पूरी खबर बताते हैं। बात यूपी के बागपत की है, लेकिन ये बात बड़ी है। इसे जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। बता दें, यूपी के बागपत की दो छोटी बच्चियों के अंदर नीरज ने हौसले की वो अलग जगह दी जिनका अब सपना बन चुका है देश को मेडल दिलाना। दरअसल एक एड में ये दोनों बच्चियां गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ नजर आएंगी। एक निजी कंपनी ने अपने 40 सेकंड के एड को ओलंपियन नीरज चोपड़ा के साथ शूट किया। इस एड में नीरज इन बच्चियों को भाला फेंकने की ट्रेनिंग देते हुए दिखेंगे। इस एड की शूटिंग बीते 28 सितंबर को दिल्ली के बवाना स्टेडियम में हो चुकी है। जल्द ही ये टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। ये दोनों बच्चियां कहती हैं, नीरज अंकल के साथ हमारा शूट बहुत अच्छा रहा। हम तो सुबह पहुंच गए थे, अंकल दोपहर में आए। नीरज अंकल ने कहा, खूब पढ़ो और खूब अच्छा खेलो, मम्मी पापा की बात मानो। हम नीरज अंकल और अपने पापा की तरह जैवलिन में देश को पदक दिलाना चाहते। चलते चलते आपको बताते चले कि बच्चियों के पिता संदीप यादव जैवलिन थ्रो में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं और यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। वो यूपी पुलिस में खिलाड़ियों और सिपाहियों के बच्चों को जैवलिन थ्रो की ट्रेनिंग देते हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।